हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है चैप्टर नंबर 5 के कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो देखिए आर्गेंट प्लेन, इससे पहले हमने 2D 3D प्लेन के बारे में पढ़ा, एक्स वाई प्लेन के बारे में पढ़ा, तो अब आता है आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन होता क्या है? द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन। यानी कि ऐसा ही एक प्लेन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जिस प्लेन पर डिनोट करता हो, रिप्रेजेंट करते हो, उसको हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं और जेड प्लेन भी बोलते हैं, यानी कि इसके तीन नामों से जाना जाता है, दैट इज आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड जेड प्लेन। एक्चुअली आर्गेंट प्लेन क्या होता है? आर्गेंट प्लेन एक एक्स वाई प्लेन है। क्या है? एक एक्स वाई प्लेन, बट हियर वी कंसीडर एक्स एक्सिस एज अ रियल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस मानते हैं और वाई एक्सिस को दैट इज इमेजिनरी एक्सिस मानते हैं। और आर्गेंट प्लेन का जो यूज है दैट इज लोकेट द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करने के लिए ग्राफिकली दैट इज यूज होता है आर्गेंट प्लेन का। है समझ में? अब देखिए, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू x प्लस आई वाई कैन वी राइट द ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि हम एक z प्लेन है, यानी कि आर्गेंट प्लेन जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर में x और y के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला जो नंबर होगा वो रियल नंबर से लिया गया है और सेकेंड वाला जो होगा वो इमेजिनरी नंबर से लिया गया। जैसे कि z इक्वल टू 5 प्लस 7 आयोटा, ये हमारे पास दिया है, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे? दैट इज 5, दैट इज रियल नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी नंबर है वो क्या है? 7, तो दैट इज 7। तो हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे इक्वल ही बात है, ठीक है। तो देखिए, अब यहां पर हम एक डायग्राम से समझाते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक एक्सिस हुआ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दैट इज रियल एक्सिस, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। ये ओरिजिन हुआ, ये पॉइंट हुआ 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सपोज कीजिए मैं एक पॉइंट निकाल रहा हूँ जेड प्लेन पे, हमने यहाँ पर ले लिया इस पॉइंट को, तो यहाँ पर रियल नंबर क्या है? 2, और दैट इज 1, और ये क्या हुआ? इसको हम बोल सकते हैं z इक्वल टू 2 प्लस 1 i, ठीक है, 2 प्लस 1 i। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। ऐसे यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, तो दैट इज 4, यानी कि -4 एंड 4, ये रियल लाइन पे है, यानी कि रियल एक्सिस पे -4 और इमेजिनरी एक्सिस पे 4। तो इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल टू -4 प्लस 4 i। आया समझ में? तो हम कैसे लोकेट करेंगे? तो ये हम ग्राफिकली देख चुके हैं। कोई कंफ्यूजन? ओके, अब आता है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पोलर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ध्यान से देखना। सपोज हमने मान लिया z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये क्या है? हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक हमने डायग्राम बनाते हैं, ये रियल एक्सिस हुआ, रियल एक्सिस दैट इज x एक्सिस का नाम, आर्गन प्लेन में x एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं। ये y एक्सिस हुआ, जो क्या हुआ? इमेजिनरी। आया समझ में? ये ओरिजिन हुआ, मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया,
क्या पॉइंट है एक्स वाई, क्या पॉइंट ले लिया एक्स वाई, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ये दैट इज पी जेड। यहां से मैंने अब इस पॉइंट को मिला दिया, यहां पर कितना एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, और ध्यान से देखना यहां पर ये हमने ये मिला है, तो यहां से यहां तक कितना है ये एक्स है और ये कितना है वाई है डिस्टेंस। जब ये थीटा है और मैंने ये पीजेड माना और यहां पर इसका जो वैल्यू है वो यहां से डिस्टेंस कितना है वो आर है और पीजेड है, तो पीजेड का वैल्यू क्या हो जाएगा जेड, यानी कि इसको लिख सकते जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहां से यहां तक क्या क्या हुआ आर हुआ दैट इज थीटा, और यानी कि हमने आर और थीटा, आर और थीटा में हमने एक डायग्राम बना दिया आर्गन प्लेन पर। जब आर और थीटा में मैंने आर्गन प्लेन बनाया जहां पर आर को हमने फर्स्ट पोजीशन पर रखा, सेकंड में थीटा, और इस फॉर्म में जैसे ही हम एक्स वाई फॉर्म को चेंज करके इस फॉर्म में लिखेंगे दैट इज पोलर फॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे पोलर फॉर्म, और इसको हम क्या बोलेंगे कार्टिजन, कार्टिजन फॉर्म, ठीक है, इसको हम कार्टिजन फॉर्म बोलते हैं, इसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। अब इसको कैसे चेंज करेंगे पोलर फॉर्म को, तो ध्यान से देखना ये हमारे पास आर है और ये क्या है एक्स एक्सिस में है, तो एक्स का वैल्यू इसके इस एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टली यानी कि इसके पैरेलल में क्या होगा ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ठीक है ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और यहां पर जो पॉइंट है इस वाई के इक्वल ये क्या हो जाएगा अगर निकालेंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला से तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा। दैट मींस ये हमने माना था इसको, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा यदि एक्स हमारे पास आर कॉस थीटा है और वाई अगर आर साइन थीटा है तो आ जाएगा हमारे पास आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं आर कॉमन आ जाएगा दैट इज आर आ गया, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे पोलर फॉर्म, आए समझ में, इसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। और आर का वैल्यू यहां से ध्यान से देखना आप, आर का वैल्यू क्या होगा हमारे पास जेड के फॉर्म में दिया है और आर का वैल्यू हमें निकालना है, तो आर का फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, एक्स हमारे पास क्या है आर कॉस थीटा और वाई हमारे पास दिया है आर साइन थीटा, इतना दिया है, दोनों को हम स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे एंड वाई का स्क्वायर करके हम एड कर देंगे दोनों को, यानी कि इसको हमने स्क्वायर किया कॉस थीटा स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा स्क्वायर, यानी कि हमने एक्स का स्क्वायर किया ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ, स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया, जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है इसका वैल्यू होता है वन दैट इज आर स्क्वायर, आया समझ में, तो ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये किसका होता है दैट इज जेड मॉडुलस का स्क्वायर, ये जेड मॉडुलस का स्क्वायर होता है ये, यानी कि ये हमारे पास जेड मॉडुलस का स्क्वायर हो गया, जेड मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर से जाएगा, तो यानी कि अंडरूट का आर स्क्वायर, और यहां पर प्लस माइनस, यहां पर अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो माइनस नहीं होगा, क्यों क्योंकि आर इज अ
डिस्टेंस, आर क्या है, डिस्टेंस है, आर दैट इज डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव लेंगे दैट आर। आगे समझ में, दैट इज आर। और आर को हम क्या बोलते हैं, आर को हम बोलते हैं दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड, दैट इज मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड, जेड का मॉडुलस क्या हुआ, वो आर हुआ। और यहां पर जो थीटा है वो थीटा अगर देखें, अगर हम वाई वाई एंड एक्स को अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा, और थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स हमारे पास आ जाएगा वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर्गुमेंट, इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, आया समझ में। और इसका दूसरा भी नाम है, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, आया समझ में। इसको हम आर को हम मॉडुलस बोलेंगे और थीटा को आर्गुमेंट बोलेंगे, ओके।